अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब बहन भाइयों का हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने हमारे लिए दुआ की। आप सब लोगों की बहन भाइयों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पापा जो खैर वाफिया से वो घर आ गए हैं, तो हम आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों? अल्लाह का शुक्र है, लख लख मैं आसान नहीं दे सकती आप बहन भाइयों का। आप सब बहन भाइयों ने मेरे लिए दुआ की, मेरे मियाँ घर आ गए, अल्लाह का शुक्र है। बहुत हम लोग परेशान थे, हम बता नहीं आपको सकते कि हमारे पे दो तीन दिन कैसे गुजरे। इतनी तकलीफ दे देना कि हम आपको नहीं बता सकते अपनी तकलीफ का। बस अल्लाह का दुआ ही कर रहे थे उधर हम कि बस अल्लाह खैर करे, हम अपना बंदा घर लेके जाए जो हमारे पे। हालांकि मैं पहले भी दो मेरे ऑपरेशन हुए, फिर मेरा पिते का भी हुआ, उस वक्त मैं इतना नहीं घबराई थी जितना मैं अब घबराई थी, इसलिए कि मेरे बच्चे हैं, हमारा साथ है मियाँ बीवी का। इसलिए बस मैं बहुत परेशान थी, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती इतनी परेशानी का। मैं अपने मियाँ से बहुत प्यार करती हूँ, मैं ही नहीं करती, सब ही करते हैं कि हमारा घर इनके साथ ही चलता है। हम मियाँ बीवी का गाड़ी के दो पहिए हैं, इसलिए मैं बहुत परेशान थी। अल्लाह ने शुक्र है, अल्लाह ताला ने किसी के मुंह से निकली दुआ इन्हें नई जिंदगी दे दी। बस कोई ना कोई रोज़ा नारा, अब भी मेहमान उठ के गए हैं तो मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करूँ। पता नहीं किसने दुआ की जो अल्लाह ताला ने हमारी दुआ कबूल कर ली कि मेरे आदमी को अल्लाह ताला ने जिंदगी दी। बस आप मेरे बहन भाई दुआ करें इनकी शुगर कंट्रोल में रहे, बस अल्लाह ताला ने जिंदगी तंदुरुस्ती दे, अपने बच्चों की ये खुशियाँ देखें। अल्लाह ताला ने हमें बच्चे भी दिए हैं, तो बस अब अल्लाह ताला इनकी खुशियाँ भी दिखा दे। हम तो वैसे ही बहुत दुखी हैं, क्योंकि मैं तो इसलिए परेशान थी ना कि मैंने अपने रिश्तेदार बहुत खो दिए हैं, तो मेरे माँ बाप भी बहुत हो गए, तो मेरे बहन भाई थे वो भी, बस अब मैं अकेली हूँ, बस मैं इन सब के साथ ही हूँ कि यही मेरा सब कुछ है, बस अपने बच्चों में। इसलिए मुझे बहुत तकलीफ थी कि मुझे वो जेन हमें आ रहा था अपने बहन भाई अपने माँ बाप कि अल्लाह ताला हमारे पे कोई ऐसा वक्त ना आए, अल्लाह ताला हमारे पे सब पे ज़िंदगी तंदुरुस्ती करे। बस बड़ी मेहरबानी आप सब की, दुआ करें। जिस तरह आप सब बहन भाइयों ने पहले दुआ की और आप सब लोगों की दुआओं के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं की वजह से मेरे वाले साहब घर आ गए हैं, हम आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह आप लोग बहन भाई हमारे लिए दुआ करते रहें ताकि जो शुगर है वो भी कंट्रोल हो जाए। शुगर अभी घर आने के बाद भी हाई ही आ रही है, वो इतनी अभी कंट्रोल नहीं हुई। अब आप सब लोग दुआ करें कि सेहत याबी के साथ जो है इनकी ज़िंदगी इसी तरह चलती रहे। जिन बहन भाइयों ने हमसे मतलब मैसेज किए हैं, जिन्होंने तबीयत का पूछा, हम लोग उनके भी शुक्रिया अदा करते हैं। जिन्होंने फ़ोन किया है अल्लाह ताला उन्हें भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, जिन्होंने हमारे दुख में शामिल हुए हैं अल्लाह ताला उन्हें खुशियाँ दे। आमीन। हम आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं, हमें दुआ में याद रखें, हम आप लोगों के लिए दुआ गो हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला किसी के मुँह से निकली दुआ कबूल करेगा और मेरे वाले साहब को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता करेगा। आमीन। अब हम आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की दुआओं का। अल्लाह हाफ़िज़।